सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूब सक्सेस में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, एक नया चैप्टर हमने इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय और काम। ठीक है, तो समय और काम को हम लोग बारीकी से पहले पढ़ेंगे। पार्ट वन में बिल्कुल हम बेसिक बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये वाला वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमने बेसिक बताने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझेंगे काम और समय और काम। ठीक है, टाइम एंड वर्क, समय और काम। ठीक है, समय और काम कहने का मतलब कि कोई काम जो है वो कितना समय में किया जा रहा है। ठीक है, या फिर जो भी काम है वो कितना समय में किया जा रहा है, या फिर जो एक काम है वो कितना समय में किया जा रहा है, या ठीक है, तो हम लोग समझेंगे बारीकी से समय और काम को। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अगर एजुकेशनल लगे, थोड़ा सा भी आप इस वीडियो से आप सीख पाएँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, अगर हमने बोला कि ए ने एक काम को 15 दिन में करता है, ठीक है, हम क्या बोले, ए ने बिल्कुल वैसे कॉन्सेप्ट बता रहे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर पहले कीजिएगा। हमने बोला कि ए ने किसी काम को 15 दिन में करता है, किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम को कितना देर में करता है, 15 दिन में करता है। ठीक है, ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, तो अगर हम ये पूछें कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन आपसे ये पूछ दें कि ए ने एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक है, ए ने एक दिन में कितना काम कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि ए ने एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 1/15 भाग। ठीक है, 1/15 भाग काम कर रहा है, यानी कि टोटल काम था एक काम था। ठीक है, एक काम था, वो कितना दिन में कर रहा था, वो 15 दिन में कर रहा था। लेकिन अगर पूछ दे कि एक दिन, ठीक है, एक दिन में, तो एक दिन में कितना भाग काम करेगा, वो 1/15 भाग काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब हमको क्या पता चल रहा है कि काम और दिन जो होता है एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, काम और दिन एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर इस तरह से समझिएगा कि महेश किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, महेश किसी काम को अगर 10 दिन में करता है, तो एक दिन में वह कितने भाग काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, 1/10। इसका मतलब क्या है, 10 दिन में कर रहा था। ठीक है, कितना दिन में वो कर रहा था, 10 दिन में कर रहा था। तो हम क्या बोले कि दिन, ठीक है, काम और समय जो क्या होता है, काम और समय एक दूसरे के अपोजिट, काम और समय क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, एक दूसरे के क्या होगा, ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर समय 10 दिन है, तो काम कितना होगा, एक दिन का काम क्या हो जाएगा, एक दिन का काम 1/10 भाग हो जाएगा, 1/10 भाग। ठीक है, 10 भाग, 10 दिन एक काम को करता है, एक काम करने में 10 दिन लगाता है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा जी, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 भाग काम करेगा। ठीक है, बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, क्लियर, एक दिन में कितना काम करेगा वो, 1/10 भाग। मतलब टोटल कहने का मतलब ये है कि काम और दिन, ठीक है, काम और समय जो होगा एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, मेरा कहने का एक ही सेंस है, काम और समय क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पार्ट एवं डे एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस बात को कि पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा कि पार्ट यानी कि उस काम का भाग, ठीक है, पार्ट एवं, ठीक है, उस काम का भाग, पार्ट एवं डे, ठीक है, पार्ट एवं डे कहने का मतलब समय एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है, एक दूसरे के उल्टा होता है।
ये वाला पॉइंट को आप लोग एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि पार्ट एवं डे क्या होगा, एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है, ये एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा आप लोग कि अगर पार्ट दे रखा है कि एक बटे पंद्रह भाग जो है महेश करता है, 1/15 भाग काम करता है महेश एक दिन में। ठीक है, 1/15 भाग महेश करता है कितना दिन में, एक दिन में। तो पूछ देगा कि वो पूरा काम, ठीक है, पूरा काम कितना दिन में ख़त्म करेगा। तो इसका उल्टा कर दीजिए, पूरा काम यहाँ पे दिन है तो दिन और पार्ट क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो कितना दिन हो जाएगा वो, 15 दिन। ठीक है, एक दिन में 1/15 भाग काम करता है तो वो पूरा काम कितना दिन में कर देगा, वो 15 दिन में कर देगा। एक काम को कितना दिन में कर देगा, वो 15 दिन में कर देगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग कि पार्ट एवं डे समय एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है ना। अगर हम आपसे बोले कि राम जो है कोई काम को 25 दिन में करता है, ठीक है, राम कोई काम को 25 दिन में करता है, तो बताइए कि राम का एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, राम का किया गया काम एक दिन का क्या होगा, तो कितना बोलिएगा, 1/25 भाग। ठीक है, एक दिन वो कितना कर देगा, 1/25 भाग। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, देखिएगा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को, बी जो है उसी काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देगा, उस काम को कितने दिन में कर देगा। ठीक है, कितने दिन में कर देगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन यही है। अगर क्वेश्चन में है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन यही कि दोनों जो है एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर देगा। तो चलिए देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं, उसी को हम सोल्व यहाँ पे करते हैं। क्या लिखा गया कि एक किसी काम को 10 दिन में, ठीक है, एक किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, 10 डेज। बी उसी काम को कितना दिन में पूरा करता है, 20 दिन में। ठीक है, ए करता है 10 दिन में, तो बी कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। इसके बाद अगर हम ए का जो है एक काम करता है 10 दिन में, तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, ये जो है एक दिन में कितना काम करेगा उसका इफिशियंसी। या फिर हम ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ये दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का आप एलसीएम निकालिए, 20 और 10 का, 20 और 10 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, 20। ठीक है, ये जो 20 एलसीएम जो भी निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा ये आपका। ये जो एलसीएम जो भी निकल के आएगा वो क्या किस चीज़ में गिनाएगा, वो काउंट होगा, वो आपका टोटल काम। ठीक है, जो भी एलसीएम आएगा वो टोटल काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल काम 20 है। अगर ए जो करता है 10 दिन में, ठीक है, ये एक दिन, ये कितना दिन में करता है उस काम को, 10 दिन में करता है, टोटल काम कितना था, 20 गो था, टोटल काम कितना था, 20 गो था। इसका मतलब कि ए एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा है, तो 10 में 2 से भाग दीजिए, एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, दो काम खत्म करेगा। ठीक है, ए कितना काम खत्म करेगा एक दिन में, ए का ये वाला जो है ए का इफिशियंसी कितना है, यानी कि ए को काम करने की क्षमता कितना है, तो 2 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, 2 काम करेगा एक दिन में, तो बी कितना दिन में करेगा उसका, एक दिन में कितना काम करेगा वो, बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20 दिन में वो 20 काम कर रहा था, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, एक काम करेगा। ठीक है, ए का निकल गया ये एक दिन का काम निकल गया, और बी का ये एक दिन का काम निकल गया। ए का एक दिन का काम कितना है, 2 काम, और बी के एक दिन का काम, एक काम। ठीक है, बी जो है एक दिन में एक ही काम करता है, लेकिन ए जो है एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, तो
पूछा गया कि दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ए जो है एक दिन में दो काम करता है, ठीक है, और बी कितना काम करता है, एक काम करता है। तो दोनों मिल जाएगा तो कितना दिन में पूरा काम खत्म होगा। तो दोनों मिलने के बाद कितना हो जाएगा, एक दिन का क्षमता इसका दो है और इसका कितना है, एक का है। टोटल काम कितना है, 20 काम टोटल है। तो कितना हो जाएगा, 20/3, 3×6=18, यानी 6.2/3 दिन, 6.2/3 दिन में ये दोनों मिलकर काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 6.2/3 दिन में ये पूरा काम को ख़त्म कर देंगे, यानी कि टोटल 20 काम को। ठीक है, इस पर एक ट्रिक और है जो कि डेज बराबर, अगर हम ट्रिक की बात करें तो इस प्रकार है, डेज बराबर टोटल वर्क बटा में क्या हो जाएगा, इफिशियंसी, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। ठीक है, डेज कितना है, टोटल डेज हमको निकालना है कि कितना दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है, तो डेज को हमको निकालना है कितना दिन में ख़त्म करेगा। टोटल वर्क कितना है, ये जो एलसीएम आएगा, हमेशा याद रखिएगा जो भी एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका टोटल काम वही होगा। तो टोटल काम 20 है। इफिशियंसी किसका, इफिशियंसी तो क्वेश्चन में जो चीज़ पूछ रहा है उसका इफिशियंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि दोनों एक साथ मिलकर काम को कर रहा है। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहा है, तो एक कितना दिन में, एक का जो काम है एक दिन में कितना काम करेगा, दो काम। बी एक दिन काम कितना है, एक काम। तो दोनों मिलके एक दिन में टोटल काम कितना कर दे रहे हैं, तीन काम कर रहा है दोनों मिलके। तो 3×6=18, 6.2/3 दिन लगेगा। 20 काम को करने में कितना दिन इसको लगेगा, दोनों मिलके करेगा तो 6.2/3 दिन में यह काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, 6.2/3 दिन में ये काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो अगर इसको हम स्मार्ट तरीका से बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट्स में आप लोग कि जब दो आदमी मिलकर काम करें, ध्यान दीजिएगा इधर, जब दो आदमी मिलकर काम करें तो, ठीक है, जब दो आदमी एक साथ मिलकर काम करें तो क्या हो जाएगा इसका, ए बी बटा ए प्लस बी दिन में कर देंगे, इतना दिन में कर देंगे। ठीक है, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI। ठीक है, जब दो आदमी किसी काम को अगर एक साथ मिल के कर रहे हैं तो कितना दिन में पूरा कर देंगे, ए बी बटा ए प्लस बी दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक पे हम थोड़ा सा इसको सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेते हैं। ए का काम क्या था, 10 दिन, इसको ए मानते हैं। बी का काम था, 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो ए बी यानी कि 10×20/10+20, 20×200/20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 होगा। 0 से 0 कट जाएगा, 20/3 आ गया यहाँ भी। तो 3×6=18.2, 6.2/3 दिन। ठीक है, कितना आ गया यहाँ से भी, 6.2/3 दिन। ठीक है, तो जब दो आदमी मिलकर काम करे तो ए बी बटा ए प्लस बी होगा। ठीक है, जब दो आदमी मिलकर काम करे तो क्या हो जाएगा, किसी कार्य को करे तो ए बी बटा ए प्लस बी दिन में पूरा कर देंगे। लेकिन जस्ट इसके एक अपोजिट भी होता है, उससे भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके अपोजिट में क्या होगा कि जब दो आदमी मिलकर काम कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन जो एक काम होगा एक दिन में वो कितना काम करेगा, कितना भाग काम करेगा। ठीक है, जब दो आदमी साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में कुल कितना भाग काम करेगा। ठीक है, तो जस्ट क्या बोले थे अभी हम इसका कि अपोजिट होता है समय और काम। ठीक है, समय और काम क्या होता है, ठीक है, तो जब समय और काम क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, समय और काम क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब दो व्यक्ति मिलकर कार्य करें तो एक दिन में कितना भाग समाप्त होगा, एक दिन में किसी काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा, तो ए प्लस बी बटे ए बी भाग। ठीक है, ए प्लस बी बटे ए बी भाग जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें पहले ही बोल दिए थे कि जो समय और कार्य होगा, समय और काम जो होगा एक क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो यहाँ पर क्या था, ए बी बटा ए प्लस बी दिन में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना भाग भी खत्म हो जाएगा, कितना दिन में, एक दिन में। तो ए प्लस बी ऊपर, ए बी कहाँ जाएगा, नीचे। तो ए प्लस बी बटा ए बी भाग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट है
कि जब अगर ये तो दो व्यक्ति वाला हो गया, ठीक है, जब दो व्यक्ति रहे तो अब, लेकिन जब अगर तीन व्यक्ति रहे तब क्या करेंगे कि जब तीन व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेगा, ठीक है, जब तीन व्यक्ति किसी काम को करेगा तो वह कितने दिन में कर देगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस खाली यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं, क्या हम दो लिखे थे तो यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं तीन, ठीक है, बाकी सब वही रहेगा, बाकी सब आपका वही रहेगा। देखिए जब आपके पास अगर तीन व्यक्ति हो जाए कि ए बी सी, ए बी सी करके जब तीन व्यक्ति हो जाए तो क्या करिएगा, देखिए जब आपके पास तीन व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेगा तो वह, तो जब तीन आदमी मिलकर किसी काम को करे तो वह ए बी सी बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ए बी सी बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिन में कर देंगे, ठीक है, कितना दिन में कर देंगे ए बी सी, लेकिन तीन आदमी रहेगा तब, ठीक है, ए बी सी बटा में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिन में कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, जस्ट इसके अपोजिट में एक और क्या हो जाएगा आपका कि जब तीन व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहा है, ठीक है, जब तीन व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य खत्म होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा ए बी सी, ठीक है, ए बी बी सी प्लस सी ए बटा क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ठीक है, इतना आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम आपके पास एग्जाम्पल कुछ लेकर आते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अब हम लोग समझेंगे इसको। देखिएगा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है कि ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में, ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी जो है वो किसी काम को 20 दिन में, तथा सी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही है, जब तीन व्यक्ति दे दिया जाए ए बी सी करके तो कैसे सोल्व होगा। तो देखिए हम इसके बारे में तो आप लोग को पहले ही ट्रिक हम बता चुके हैं, फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, क्या जब कितना, क्या पूछ रहा है आपसे कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन, ठीक है ना, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने दिन में वह पूरा करेगा, ठीक है, कितने दिन में पूरा करेगा। तो जब तीन आदमी मिलकर काम करे तो ए बी सी बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिन में करेंगे, ठीक है। तो हम चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला पे चलते हैं, क्या ए बी सी बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा रेड वाला से, क्या हो जाएगा ए बी सी बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, इतना दिन में काम को समाप्त कर देगा। तो ए का मान कितना, ए है 10 दिन में, बी कितना दिन, बी उसी काम को 20 दिन में, सी किसी काम को, उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में। तो ए बी, ठीक है, ए और बी को गुना कीजिए, ए बी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी को गुना कीजिए तो 200 गुने बी और सी को गुना करेंगे तो 300 गुने क्या है फिर सी और ए को गुना करेंगे तो 150 प्लस है, गुना दे दिए हम सब में, क्या हो जाएगा प्लस है, ये सब क्या है आपका प्लस है। तो क्या हो जाएगा फिर 10 × 20 × 15 बटा में कितना हो जाएगा 3 × 2 = 5 650, ठीक है, कितना हो जाएगा 650, 0 से 0 काट दे रहे हैं, 5 से इसको 5 = 15 आ इसको 13 बार में 13 = 65 कितना हो जाएगा 10 × 20 = 60 / 13 दिन,
ठीक है, 60/13 दिन में क्या हो जाएगा, वो तीनों मिलकर काम करेगा तो 60/13 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, कितना दिन में काम को समाप्त कर देगा, 60/13 दिन में जो है वो काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, उधर अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो इधर हम समझा देते हैं एक बार, क्या हो जाएगा 10 × 20 × 15/2, अगर इस सब को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करने के बाद 650 आ रहा है। जीरो से जीरो काट देंगे, 5 से ही कटेगा 3 बार में, 5 से ये कटेगा 13 बार में, और तो नहीं कटेगा। 10 × 20 × 20 कितना होता है 60 बटे 13। ठीक है, 60/13 दिन में जो है वो काम को समाप्त कर देगा, 60/13 दिन को, 60/13 दिन काम को समाप्त करने में लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज को आपसे उल्टा पूछ दिया जाए कि क्या पूछा जाए कि अगर तीन व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहा है, ठीक है ना, ये तीनों व्यक्ति जो मिलकर कार्य कर रहा है, तीनों व्यक्ति मिलकर एक कार्य को किसी काम को कर रहा है, तो जो है एक दिन में वो व्यक्ति तीनों मिलकर कितना काम खत्म कर रहा है। ठीक है, एक दिन में एक वो जो व्यक्ति है कितना दिन में खत्म कर रहा होगा कार्य को। ठीक है, तो चलिए ये था आपका बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम समय समय पर कॉन्सेप्ट भी लेकर आएंगे, इतना कॉन्सेप्ट बता देने के बाद अब इस पे हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका माइंड में आ जाए कि कॉन्सेप्ट किस प्रकार से था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में, छोड़कर भागिएगा मत खाली, ठीक है ना, वीडियो को छोड़कर भागिएगा मत। देखिए क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सारे नोट्स आप लोग बनाते चलिए टाइम एंड वर्क का। ठीक है, बिल्कुल हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक सारे का सारे क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन को लेकर आएंगे हम। और एक बात, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं पढ़े हैं तो कृपया मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे, प्लेलिस्ट का हम लिंक दे देंगे। ठीक है ना, उस लिंक से आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का देख सकते हैं। ठीक है, कुल टोटल उसमें 8 पार्ट हैं, अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो हम एक दिन उसका मैराथन भी लेकर आ जाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं क्या, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे कि एक इसी कार्य को 40 दिन में करता है तो वह 2/5 भाग कार्य कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये किसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है, ये जो है किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है, तो बोला जा रहा है कि तो वह 2/5 भाग जो कार्य है वह कितने दिन में करेगा। ठीक है, 2/5 भाग काम कितने दिन में करेगा, काम कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। तो ए जो है एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। ठीक है ना, ए जो है 40 दिन में कितना भाग कर रहा है, एक भाग काम कर रहा है। ठीक है, 40 दिन में एक भाग काम को समाप्त कर दे रहा है, तो उसको 2/5 भाग काम कितने दिन में करना होगा। ठीक है, उसको 2/5 भाग काम जो है वो कितना दिन में करना होगा, तो कुछ नहीं करना, बस 2/5 गुने कितना हो जाएगा, 40, 5 × 8 = 40, 8 × 2 = 16, यानी कि 16 दिन में क्या करेगा, वो काम को खत्म कर देगा। ठीक है, 16 दिन में क्या करेगा, उस काम को खत्म कर देगा। अगर आप ऐसे कभी मत बोलिएगा कि सर यहाँ पे क्या है 2/5 भाग है, तो आप बोले हैं कि जो पार्ट होगा, भाग होगा, वो समय के क्या हो जाएगा, वो विपरीत होता है, उल्टा होता है, तो इसका तो दिन आना चाहिए 5/2। ठीक है, इसका दिन आना चाहिए 5/2 दिन में समाप्त करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका एक यहाँ पे कारण दे दिया गया है कि एक ये जो है एक काम को 40 दिन में खत्म करता है, ये जो है एक काम को 40 दिन में खत्म करता है, तो वो 2/5 भाग काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, वो 2/5 भाग काम कितने दिन में करेगा। अगर केवल ये रहता कि ए जो है 2/5 भाग काम कितने दिन में करेगा, तो 5/2 दिन में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के बनाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, एक किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, एक किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, बी उसे 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या बताए थे, कितने दिन में करेंगे, तो जब दो व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो कितने दिन में खत्म करता है, AB/A+B दिन में। ठीक है, AB/A+B दिन में। A का मान कितना है आपका, A जो है कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में, इसके बाद B कितना दिन में, 18 दिन में, दोनों को ऐड कीजिए, 9 + 18 कितना हो जाएगा, 9 × 18/27, 9 × 3 = 27, 3 × 6 = 18। ठीक है, कितना दिन में खत्म कर देगा वो, 6 दिन में।
ठीक है, कितना दिन में खत्म करेगा? 6 दिन में। ऑप्शन मिलाइएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना दिन में खत्म, दोनों मिलकर कितना दिन में खत्म कर देगा? वो 6 दिन में उस काम को खत्म कर देगा। ठीक है, तो आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग से क्वेश्चन अब बन रहा होगा। देखिए, इसको हम एक और मेथड से हम बना लेते हैं। ठीक है, एक और मेथड से हम बनाते हैं, एलसीएम वाला विधि से। ठीक है, एलसीएम वाला विधि से हम इसको बनाते हैं। अब कितना आया था ऐसे, तो 6 दिन आ गया था। एलसीएम वाला से बना के देखते हैं अब। देखिएगा क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में आपसे, कि ए जो है किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, 9 दिन में। बी उस काम को कितना दिन में, 18 दिन में कर रहा था। दोनों का एलसीएम क्या होता है आपका? टोटल वर्क। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? टोटल वर्क के बराबर, यानी कि जो कुल काम के बराबर क्या हो जाएगा, वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 9 और 18 का एलसीएम आपका 18 होगा। तो एक दिन टोटल काम कितना है? ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, टोटल वर्क 18 है। जब ये जो है उस काम को 9 दिन में समाप्त कर रहा था, टोटल काम, यानी ए जो है 18 काम 9 दिन में कर रहा था, तो एक दिन में कितना काम करेगा आप बताइएगा? एक दिन में कितना काम करेगा? ए का जो काम करने की क्षमता होगी, एक दिन में कितना काम करने की क्षमता है, जब वो टोटल वर्क 18 दिन, ठीक है, टोटल कितना काम था? 18 को काम था, वो तो खत्म कितना में दिन में कर दिया? 9 दिन में। इसका मतलब कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है वो? ए का क्षमता 2। ठीक है, एक दिन में ए का क्षमता कितना है? 2 काम करने का है। ठीक है, उसी तरह से बी का जो क्षमता है कितना हो जाएगा? बी का क्षमता आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि बी जो है टोटल वर्क 18 है और 18 दिन लगा रहा है। ठीक है ना, कुल काम कितना है? 18, और समय भी कितना लग रहा है उसका? 18 दिन लग रहा है। इसका मतलब यह है कि बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा होगा और ए 2 काम कर रहा होगा एक दिन में। अगर ये दोनों को मिला दिया जाए, दोनों जब एक साथ मिल के काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा? दोनों जब एक साथ मिल के काम करेंगे तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 3 काम। एक दिन में ए प्लस बी का काम कितना होगा? ए प्लस बी का 3 काम होगा। दोनों मिल के करेंगे तो 3 काम खत्म हो जाएगा। तो जब दोनों मिल के एक दिन में 3 काम खत्म कर रहे हैं, तो बताइएगा कि 18 गो टोटल काम है, 18 टोटल काम है, और एक दिन में 3 गो काम खत्म हो रहा है, तो कुल कितना समय लग जाएगा इन दोनों को काम करने में? तो 6 दिन। ठीक है, 6 दिन में क्या करेगा? ये काम को समाप्त कर देगा। समझ में आ रहा है बात को? पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम क्या होता है आपका? दोनों का एलसीएम क्या होगा आपका? टोटल वर्क के बराबर, कुल कितना काम है उसके बराबर हो जाएगा। इसके बाद में हम निकाल सकते हैं कि ए का इफिशियंसी कितना है और बी का इफिशियंसी कितना है, काम करने की एक दिन में क्षमता कितना है। इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे दोनों। ठीक है, तो ये दोनों का काम करने का क्षमता कितना आ जाएगा आपका? ए प्लस बी करेंगे तो 3 दिन। तो टोटल काम कितना था आपका? टोटल काम था 18, और जो दोनों मिलकर काम कर रहा है तो 3 दिन में खत्म, 3 काम जो है एक दिन में खत्म कर रहा है, तो 18 काम 6 दिन में आपका खत्म कर देगा। ठीक है, 18 काम जो है वो कितना दिन में खत्म कर देगा? 6 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक लास्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर जो भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में लगे बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुँच पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।